दोस्तों नमस्कार, रिकी चड्ढा एस्ट्रो हीलर से। सबसे पहले आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्षमा इस बात की चाहता हूँ कि लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और फिर मैंने उसे डिलीट भी कर दिया, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया, मुझे ये आभास हो चुका था कि मैंने उसमें कोई गलती की है। और क्योंकि मैं कोविड से ग्रसित हूँ तो थोड़ी वीकनेस है, थोड़ा सा डिसओरिएंटेड भी हूँ मैं, बट ये कोई एक एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए, तो गलती तो हुई है मुझसे। मैंने उस वीडियो में आपसे कहा था कि 4 फरवरी को बुध मार्गी होने जा रहे हैं कुंभ राशि में, जबकि वो गलत है, वो मार्गी होने जा रहे हैं मकर राशि में 4 तारीख को। और उससे संबंधित जो मैंने कैलकुलेशन की थी उसे प्लीज इग्नोर कीजिएगा, उसे ध्यान में मत रखिएगा, बल्कि आज जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि इसका प्रभाव अलग अलग राशियों पे, अलग अलग लग्नों पे क्या होने जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको इतना बता दूं कि आज 30 तारीख है, 30 जनवरी, 30 और 31 जनवरी को मैंने आपसे कहा था, मेरे पहले एक वीडियो में, आप लिंक ऊपर देख सकते हैं, इसमें मैंने आपसे कहा था कि एक युति बन रही है 4 ग्रहों की, जिसमें के सूर्य है, चंद्रमा है, शनि है और बुध है। ये जो युति बनेगी 30-31 की, ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। कुछ लोग हैं जिन्हें थोड़ा सा ऐसे आभास होगा कि उसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा डिप्रेस्ड लगना या थोड़ा सा वीक लगना, या आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास में क्या घट रहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। इसको कहते हैं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, एक तरह का एक कंफ्यूजन सा क्रिएट रहेगा, लेकिन इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। ये एक युति है जो वैसे तो चंद्रमा निकल जाएंगे इस कंजंक्शन से, लेकिन बाकी के 3 ग्रह ऐसे के ऐसे ही रहने वाले हैं कुछ दिनों तक, तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा। उसके अलावा आने वाले दिनों में मेरी इच्छा है कि बहुत से वीडियोस हैं, आने वाले कुछ ऐसे गोचर हैं जिसके बारे में बात करना चाहूँगा। मैं थोड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ कि एक मेरा जिस्म जो बहुत वीक हो चुका था वो थोड़ा सा साथ दे दे, तो मैं आगे की वीडियोस बनाना जरूर शुरू करूंगा। लेकिन आज जो मैंने वो वीडियो में गलती की थी उसका सुधार कर रहा हूं। तो मैं बुध के बारे में, जो कि मकर राशि में 4 तारीख को फरवरी के मार्गी होने जा रहे हैं, तो उसका अलग अलग लग्नों पे क्या असर होने जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली राशि जो है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों को के लिए ये तीसरे घर के और छठे घर के स्वामी हैं आपके बुध, और ये आपके 10वें घर में, जिसे हम आपका करियर देखते हैं, उसमें ये डायरेक्ट होने जा रहे हैं। अब मेष राशि वालों के लिए ये एक अच्छा समय है, करियर में डेवलपमेंट देख पा रहा हूँ, बिजनेस करते हैं तो वहां पर भी प्रॉफिट, मॉडरेट प्रॉफिट तो पूरी तरह से संभव है। रिलेशनशिप में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, कुछ अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ी हो सकती है, आपको आपके कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, आपको दूसरों की बातें सुननी पड़ेगी, यानी कि ध्यान दीजिए कि सामने वाला आपसे क्या कहना चाहता है। एक दीवार सी मत खड़ा कर दीजिए कि नहीं, जो मैं आप कहूँगा वही सही है, सामने वाले के विचारों से मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा मत कीजिएगा। थोड़ा सा अपने फैमिली की तरफ, अपने लोग की तरफ थोड़ा सा अटेंशन, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिए। सेहत को लेकर के मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपको आपके स्ट्रेस की वजह से, आपकी सोच विचार की वजह से आपको थोड़ा सा पैरों में दर्द रह सकता है। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा सा अपने आप को धीमा चलिए, मतलब जल्दबाजी मत कीजिए, रिलैक्स रहिए, थोड़े से अगर मेडिटेशन कर सकें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगली राशि जो है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए बुध आपके 2वें घर के और 5वें घर के स्वामी होकर के आपके भाग्य स्थान में 9वें घर में ये मार्गी होने जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में
ये काफी अच्छा समय है करियर को लेकर के, जॉब को लेकर के, प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, मैं देख पा रहा हूं। चांसेस हैं कि आप अपने जॉब से एक नए जॉब में भी चले जाएं, नया बिजनेस भी चालू करें, नए और अगर बिजनेस में कुछ एक्सपेंशन करना चाहो तो वो अच्छी बात है। आप विदेश में कुछ अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे और वो आपके लिए काफी लकी साबित होगा। खुशियां हैं फैमिली में भी, खुशियां हैं रिलेशनशिप में भी, और आपको आपके लाइफ पार्टनर से काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। हेल्थ को लेकर के भी चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, काफी कुछ ऊर्जा अभी आप में बाकी है, तो उस ऊर्जा को लेकर के आगे बढ़िए, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए आपके लग्न के स्वामी यानी पहले घर के और चौथे घर के स्वामी होकर के बुध आपके अष्टम में आठवें घर में डायरेक्ट होने जा रहे हैं। आठवां घर आप जानते ही हैं, थोड़ी बहुत तकलीफ तो आपको हेल्थ को लेकर के देगा ही, और वो मैं अनुभव कर ही रहा हूं क्योंकि मैं भी मिथुन राशि का हूं। साथ साथ में आपको थोड़े बहुत करियर में भी डिलेज हो सकते हैं, और डिले तो हो ही रहे हैं, बीमार पड़ा हूं तो वीडियोस अपलोड भी नहीं कर पा रहा हूं। इफ अगर आप कोई बिजनेसमैन खुद का बिजनेस करते हैं तो वहां पर भी थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने मिल सकते हैं। रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो अच्छा रहेगा कि आप इस टाइम पे सोच समझ करके उनसे बात कीजिए। आप अपनी आंखों का चेकअप करा लीजिएगा क्योंकि अष्टम में होने से बुध दूसरे घर को देख रहे हैं, तो वहां पे थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, आंखों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए आपके तीसरे घर के और आपके बारहवें घर के स्वामी होकर बुध मार्गी होने जा रहे हैं आपके सातवें घर में, यानी कि शादी के घर पे, जीवन साथी के घर पे। यहां पर एक करियर में, जॉब में, हर जगह पे एक मॉडरेट रिजल्ट देख पा रहा हूं, ना काफी अच्छा ना ही कुछ बुरा। तो काम के जिस क्षेत्र में भी आप काम करते हैं, वहां पे आप जो भी काम करते हो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, वहां पे थोड़ी बहुत गलती होने की चांसेस है, वहां पे गलतियां हो सकती है। बिजनेस में भी आप देखेंगे तो जितना आपने सोच रखा था उतना शायद प्रॉफिट आप ना कर पाए, लेकिन उससे हताश मत होइएगा, आगे जाकर के सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्यार मोहब्बत रिलेशन को लेकर के भी मामला थोड़ा सेंसिटिव है, तो जो भी इश्यूज हैं उसको थोड़े दिनों के लिए वो एक तालमेल बिठा करके उसको आप वहीं पर रखिए, उसको उस लेवल पे मत पहुंचने दीजिए जहां पे आप दोनों एक दूसरे से बात भी करना बंद कर दो, ऐसा मत करना। अगर आपका जीवन साथी, अगर आपका प्यार आपसे कुछ बात करता भी है तो उसको ओवर रिएक्ट मत कीजिएगा, उसको समझने की कोशिश करो, वो सामने वाला आपसे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्यों बोलने की कोशिश कर रहा है, इसका जरा ध्यान रखिएगा। सेहत को लेकर के भी आप देखिए कि आपका जो खाने आप जो भी खाते हैं या जिस तरह का खाते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वरना मामला थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए आपके दूसरे घर के और आपके ग्यारहवें घर के मालिक होकर के बुध आपके छठे घर में मार्गी होने जा रहे हैं। यहां पर मैं देख रहा हूं कि करियर को लेकर के, बिजनेस को लेकर के ये बहुत अच्छा समय है, प्रमोशन के चांसेस हैं, नया कोई क्षेत्र में आप हाथ डाल करके नया बिजनेस या ऐसी कोई चीजें करना चाहोगे शायद। अगर बिजनेस में ऑलरेडी कंपटीशन है तो कॉम्पिटिटर्स को आप पूरी तरह से पछाड़ रहे हो, आप जिस भी चीज में हाथ डालोगे उसमें आपको सक्सेस मिलना संभव है पूरी तरह से। रिलेशनशिप में भी समय आप लोग के लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, और सेहत को लेकर के भी इस वक्त आप में पूरी ऊर्जा है, पूरी क्षमता है, पूरा उत्साह बना हुआ है, आप आगे बढ़ सकते हैं। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए आपके पहले घर के और आपके दसवें घर के मालिक होकर के बुध आपके पंचम भाव में ये मार्गी होने जा रहे हैं। यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा कि आपसे कुछ गलतियां ना हो जाए बिजनेस करियर में लेकर के, तो जहां पर भी आप काम करते हैं, क्योंकि देखिए हमें यह समझना होगा कि बुध मार्गी तो जरूर हो रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन अब भी बुध जिस जगह पे बैठे हैं वहां पर जो युति बनी हुई है शनि देव के साथ,
वो कहीं ना कहीं पे तो आपको प्रभावित करेगी। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिजनेस में भी अगर आप देखिएगा, आपसे कभी कोई गलती ना हो जाए। बिजनेस में आपको नए कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं, आपको उस कॉन्टैक्ट्स को मेंटेन करके रखना है। आप अगर रिलेशनशिप में हो, किसी से प्यार करते हो, तो वहां पर भी थोड़े बहुत ईगो क्लैशेस होने के चांसेस हैं। तो थोड़ा सा अहंकार और ये चीजों को लेकर के लाइफ पार्टनर से या तो फिर लव पार्टनर से प्रॉब्लम हो सकता है। सेहत को लेकर के भी चीजें ठीक है, कुछ ज्यादा परेशानियां नहीं है। खाने पीने पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी कोई अड़चन नहीं है। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए आपके नौवें घर से, सॉरी, नौवें घर के स्वामी और आपके 12वें घर के स्वामी होकर के बुध मार्गी होने जा रहे हैं आपके चौथे घर में। चौथा घर जो है वो आपको पता है, वो आपके सुख सुविधा का घर है, मां का घर है, प्रॉपर्टी से हम देखते हैं इसको। इस कारण मैं देख पा रहा हूं कि आपको काफी अच्छा करियर में मुनाफा होने जा रहा है, प्रमोशन के चांसेस हैं, आपका जो भी ओहदा है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है आपकी। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर भी आपका प्रॉफिट बनेगा, नए अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, नए लोगों से जुड़ोगे आप। अगर रिलेशन की बात करूं तो रिलेशन के अंदर भी नए लोगों से आप मिल रहे हो, खुशियां हैं, फैमिली में खुशियां हैं। हो सकता है परिवार के अंदर कोई एक अच्छा सा कार्यक्रम भी हो जिसमें आप लोग एक दूसरे के साथ में बहुत ही खुश रहो। सेहत को लेकर के सब कुछ बिल्कुल ठीक है, बस खाली खाने पीने पे ध्यान रखिएगा, ज्यादा भी मत खाइएगा और देखिएगा कि आप क्या खा रहे हैं। ज्यादा तली हुई और बहुत तेल वाली चीजें ना खाइए आप। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए आपके 8वें घर के और 11वें घर के मालिक होकर के बुध आपके 4 फरवरी को मार्गी हो रहे हैं आपके तीसरे भाव में। तीसरा भाव जो है वो कम्युनिकेशन का है, आपके भाई बहनों का है। यहाँ से हम आपके मित्रों को देखते हैं, पड़ोसियों को देखते हैं। इस कारण मैं ये देख पा रहा हूं क्योंकि 8वां घर है और तीसरे घर से इसका संबंध है, तो कुछ आपके कार्य हैं जो थोड़े से देर से विलंब से शुरू होंगे, जिसके वजह से करियर कहीं पे रुक रुक के आगे बढ़ रहा है। जॉब में भी थोड़ा बहुत प्रेशर होगा, बट ज्यादा चिंता मत कीजिएगा, आखिरकार आप जॉब में सक्सेस होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस करते हैं तो वहां पर भी चांसेस हैं कि जहां जहां पे उम्मीदें की थी आपने, वो थोड़े बहुत डील्स आपके क्रैक नहीं हो पा रहे हैं। कुछ दिनों की बातें हैं, ये महीना निकल जाएगा और फिर आप फिर से गाड़ी पटरी पे आ जाएगी। रिलेशनशिप में भी आप देखेंगे तो जब आप बात करते हो तो उसमें वो बात करते वक्त एक ऐसी, या तो आप अपने विचारों को सही तरह से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, जिसको हम लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, जिसके वजह से थोड़ा बहुत परेशानी आपकी आपके पार्टनर के साथ, लव पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ में होने की संभावना है। इम्यूनिटी आपकी थोड़ी सी कम होने के कारण थोड़ा सा आपको सेहत में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, खास करके आपकी बैक में, यानी कि आपके पीठ में दर्द होना, इस तरह के मसल पेन होना ये संभव है। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए बुध जो है वो आपकी कुंडली में आपके 7वें और 10वें घर के मालिक होकर के ये मार्गी होने जा रहे हैं आपके दूसरे भाव में, जिसको हम कुटुंब भाव कहते हैं, धन भाव भी कहते हैं। यहां पर आप देखोगे कि ये एक टाइम अच्छा है, लेकिन पैसों को लेकर के थोड़ी सी गाड़ी शायद मेरे ख्याल से उसमें थोड़ा सा ब्रेक लग रहा है। तो पैसे आ रहे हैं लेकिन रुक रुक के आ सकते हैं। करियर में भी आपको अपने करियर को प्लान करना पड़ेगा, जो आपने सोच के रखा हुआ है उसे आप उस पर काम कीजिए, ताकि आप अपने जितने भी जॉब्स हैं जो पेंडिंग है वो उसको कंप्लीट कर पाए। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। मैं नहीं कहूंगा बहुत अच्छा बिजनेस होने जा रहा है, लेकिन जितनी अपेक्षा की थी लगभग उतना तो कम से कम मुनाफा आपको हो जाएगा। सेहत को लेकर के आपको अपनी आंखों का चेकअप करा लेना चाहिए, थोड़ा सा इरिटेशन या आंखों में तकलीफ थोड़ी सी हो सकती है। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि ही वो राशि है जिसके अंदर बुध मार्गी होने जा रहे हैं, और मकर राशि वालों के लिए बुध आपके 6ठे घर के और आपके भाग्य स्थान के 9वें घर के मालिक होकर के आपके लग्न में ये मार्गी होने जा रहे हैं। ये एक अच्छा टाइम है, अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपको, अच्छा करियर में ग्रोथ नजर आता है आपको। आप अगर कोई विदेश से कुछ संबंध आपका है
तो वहां से मुझे आपके लिए काम भी नजर आता है और वहां से आपके लिए एक रिस्पेक्टेबल जॉब भी नजर आती है आपके लिए। बिजनेस में भी आप प्रॉफिट अच्छा बना रहे हैं, हो सकता है कि कुछ नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी आए, नए कॉन्टैक्ट्स भी बने, कुछ नए चीजें आपके बिजनेस में आप ऐड करो एज अ प्रोडक्ट, पॉसिबल है। पैसों की आवक भी अच्छी हो रही है आपको। आप अपने फैमिली में भी कुछ ऐसा देख पाओगे कि जिसमें फैमिली के सारे जितने भी लोग हैं वो बहुत खुश हैं, हो सकता है कोई कार्यक्रम भी हो जाए घर में, तो एक कुल मिलाकर के अच्छा समय है। वहीं पर सेहत को भी देखता हूं तो सेहत भी आपकी एनर्जी काफी अच्छी है, तो समय हर लिहाज से अच्छा है आपके लिए। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए आपके पांचवें घर के और आपके आठवें घर के मालिक होकर के, लॉर्ड होकर के बुध आपके बारहवें घर के अंदर मार्गी होने जा रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी आठवां घर बारहवें घर में, बारहवां घर छठे घर में, छठा घर आठवें घर में, ये जो तीन घर है जिसको हम दुस्ताना घर कहते हैं, अगर इसमें स्थान परिवर्तन होता है तो उसे हम विपरीत योग भी कहते हैं। तो ये एक थोड़ा आपको फायदा दिला सकता है, तो आपको करियर में थोड़ा बहुत अच्छा फायदा होगा, बिजनेस में भी आपको ठीक ठाक से बिजनेस में आपको प्रॉफिट हो रहा है। ज्यादा अपेक्षा मत कीजिएगा, ज्यादा कुछ इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आठवां घर आखिर में तो अपना रोल तो प्ले करेगा ही करेगा। पैसों की जो आवक भी है वो साधारण है, कुछ ज्यादा भी नहीं है, कुछ कम भी नहीं है। मैं ये देख पा रहा हूं कि अगर कोई पूर्वजों की प्रॉपर्टी को लेकर के, इनहेरिटेंस जिसको हम कहते हैं, ऐसा कोई मामला आपके घर में चल रहा था, तो उसमें से आपको पैसे या इनकम या वहां से मुनाफा किसी टाइप का तो मैं देख पा रहा हूं। रिलेशनशिप में हाँ थोड़ा चांसेस है कि आपके और आपके लव अफेयर में या लव लाइफ पार्टनर में थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं। सेहत को लेकर के भी थोड़ी बहुत समस्याएं आपको हो सकती है, वो खास करके नर्वस सिस्टम को लेकर के होने के चांसेस हैं, क्योंकि बुध की बात करेंगे तो नर्वस सिस्टम से उसका रिलेशन है। अब बात करते हैं सबसे आखिरी राशि जो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए आपके चौथे घर के और आपके सातवें घर के मालिक होकर के बुध आपके ग्यारहवें घर में यानी कि लाभ स्थान में मार्गी होने जा रहे हैं। बहुत अच्छा समय है, सक्सेस है, काम को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, प्रॉफिट को लेकर के, हर लिहाज से समय बहुत अच्छा है। नए नए आइडियाज आ रहे हैं बिजनेस में, नए नए आप तब्दीलियां कर सकते हो, बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो, अच्छा समय है। रिलेशनशिप में भी अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन हो रहा है, एक मधुरता बनी हुई है आप में और आपके प्यार में या आप में आपके जीवन साथी के साथ में। सेहत को लेकर के भी कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छी सेहत आप मेंटेन कर रहे हो, अच्छी ऊर्जा है और आप लगन से काम भी कर रहे हो। तो दोस्तों ये रहा मेरा विश्लेषण सब 12 की 12 लग्नों पे, और यहाँ पर मैं आप लोग से गुजारिश करूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। और फिर जाने से पहले एक बार फिर आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि पिछली बार वीडियो में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई थी और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी गड़बड़ कभी ना हो अगली बार। थैंक यू सो मच, टेक केयर।